哦。<Cool. S 2> cool. जय साई राम नमस्कार मैं ब्रिज मंसूरी आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम इन त्योहारों में अपना जीवन बदलने की कोशिश कर सकते हैं त्यौहार शुरू हो रहे हैं श्राद्ध शुरू होंगे फिर नवरात्रे शुरू होंगे फिर आप दिवाली की ओर अग्रसर होंगे तो हम यदि चाहें तो जो उपाय आज से हम शुरू करेंगे वो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं यदि आप पर कोई कर्जा है आपका अपना मकान नहीं बना है बच्चे कहना नहीं मानते हैं परिवार में अशांति है परिवार के मुखिया का काम सेट नहीं है नौकरी व्यापार दुकान चलती नहीं है बहुत अधिक परेशानी है पैसा नहीं है रोग बहुत हैं घर में सारा पैसा रोग पर खर्च हो जाता है कैसे भी परेशानी हो विदेश जाना चाहते हैं सबसे बड़ी बात है जो लोग विदेश जाना चाहते हैं नहीं जा पा रहे हैं तो इन सब में हमें क्या करना है कैसे करना है कब करना है ये हमें बहुत अधिक लाभ देगा यदि हम इन त्योहारों में उपाय करते रहें तो अब आप सोचेंगे कि आपको करना क्या है ये बताओ ब्रिज मोहन जी जल्दी जल्दी ये बताओ क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है मेरे वीडियो देखने हैं क्योंकि अब जो मेरे वीडियो डाले जाएंगे उनमें बहुत सारे छोटे छोटे उपाय होंगे जो आपके निवास में ही समान पड़ा है अब वो सामान उठाएंगे दान करेंगे देखिए मैं प्रतिदिन का एक उपाय बताता हूँ सुबह उठकर आप वो चीज़ दान कर सकते हैं कितना अच्छा लगता है कि हम आज ये दान करेंगे इससे हमारे कर्म भी बने धर्म भी बना और हमारे ग्रह भी ठीक हो गए कोई महंगा नहीं है चने की दाल दान कर दो दूध दान कर दो तेल दान कर दो ऐसी चीज़ें आपके घर में पड़ी होती हैं तो अब जो नवरात्रों में उपाय बताए जाएंगे प्रतिदिन का उपाय नवरात्रे का बताया जाएगा श्राद्ध हैं लोग सोचते हैं श्राद्ध तो कुछ भी हम नहीं कर सकते मैं कहता हूँ कि सबसे बड़े बड़े उपाय होते ही श्राद्ध में हैं जैसे मैंने चमत्कारी अंगूठी बनाई मैंने पीली कोटियाँ बनाई अब पीली कोटियाँ आप बाजार से ले लेंगे तो वो थोड़े काम करेंगी वो तो नेगेटिव हैं पॉजिटिव लेनी होती है अभिमंत्रित लेनी होती है और इन दिनों में ये पीली कोटियाँ भव से पार कर देती हैं तेजी से धन लाती हैं पीली कोटियाँ अभिमंत्रित हमने चमत्कारी अंगूठी बनाई जो कोई पहनता है तो बहुत अधिक लाभ होता है ये सब चीज़ें मैं वैसे ही बता रहा हूँ अभी जो हम उपाय की एक क्रमवार शुरू करेंगे उससे आपको बहुत तेज़ी से लाभ होगा और वो उपाय आपके निवास में सब कुछ पड़ा है अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कुंडली के उपाय करें कि ये उपाय करें कुंडली के उपाय महत्वपूर्ण होते हैं मैं ये मानता हूँ कि वो आपके पर्सनल उपाय हैं और बहुत तेज़ी से लाभ देते हैं परंतु जरूरी है कि, कि किसी योग्य ज्योतिषाचार्य को कुंडली दिखाई हो तभी वो लाभ देते हैं अब ऐसे ही राह जाते ज्योतिष को दिखाई होगी तो कोई लाभ नहीं देंगे यदि कोई पाठ आपका बैलेंस है तो वो आप श्राद्ध में करवाइए श्राद्ध में नवरात्रों से भी ज़्यादा लाभ श्राद्ध में मिलता है यदि टूक जाए फिर दिवाली में करवाइए तो अब तो बहुत अच्छे अवसर आने वाले हैं मैं आपको जो बताने वाला हूँ आने वाले दिनों में बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए जो नए हैं इस चैनल पे वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आप वीडियो डाले जाएंगे वो आप करते रहिए बस आपने कोई अपने दिमाग पर बोझ नहीं डालना है सिर्फ वीडियो खोलना है उसको देखना है और जैसा कहा गया है वैसा करते रहना है इससे बहुत तेज़ी से लाभ होगा और हाथ जोड़कर कर बेनती ये है कि यदि ये उपाय करने हैं तो फिर कोई दूसरा उपाय नहीं करना है कारण क्या है कारण ये है कि अब कोई व्यक्ति जेल में है तो हम देखते हैं कि इस व्यक्ति का बुद्ध बहुत इसको तंग कर रहा है हम उस बुद्ध की शक्ति कम करते हैं अब कोई एस्ट्रोलॉजर जिसको समझ नहीं है उसने भी देखा कि बुद्ध है तो वो बुद्ध के उपाय तेजी से करवाने शुरू कर देते हैं ताकि उसकी शक्ति बढ़े अरे भाई उसकी शक्ति कम करनी है परंतु अब वो अज्ञानवश उसकी शक्ति बढ़वा रहे हैं और इधर हम कम करवा रहे हैं तो हमारा उपाय तो काम करेगा ही नहीं करेगा बिल्कुल नहीं करेगा उसका भी नहीं करेगा उल्टा वो व्यक्ति की जेल यात्रा और लंबी हो जाएगी अब किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है उसका हम देखते हैं कि इसका शनि खराब है तो हम शनि को शांत करने के लिए मंगल से मदद मांगते हैं तो अब मंगल के उपाय करवा रहे हैं अब कोई दूसरा एस्ट्रोलॉजर शनि की शक्ति को और बढ़ा देता है तो बात वहीं अटक जाती है तो इसलिए उपाय करना है तो पहले तो ये देखिए कि एस्ट्रोलॉजर सॉलिड होना चाहिए एस्ट्रोलॉजर को नॉलेज होनी चाहिए एस्ट्रोलॉजर परफेक्ट होना चाहिए फिर उसी से उपाय करवाइए अब एक तो आपके ग्रह आपको ठीक कर रहा है दूसरा खराब कर रहा है तो कैसे ठीक होगा क्योंकि उपाय एक ही तरह के नहीं होते उपाय बहुत तरह के होते हैं अब जो हम उपाय प्रतिदिन करवाते हैं ये जर्नल उपाय हैं गोचर के उपाय हैं ये आपके गोचर के उपायों को जो प्रतिदिन हम उपाय होते हैं वो एक शांत उपाय होते हैं जो किसी को नुकसान नहीं देते हैं सभी को लाभ देते हैं और जो कुंडली के उपाय होते हैं वो बहुत सोच समझकर बहुत सही ढंग से करवाने पड़ते हैं तो ये सब करना चाहिए आपको और जिन लोगों के पास पीली कौियाँ हैं पहला उपाय मैं आज बता दूँ जिन लोगों के पास पीली कौियाँ हैं वो श्राद्ध से पहले श्राद्ध से ही या जब भी ये वीडियो सुने उनको रोज़ हल्दी के पानी में धोएं और फिर वो पानी पौधों में डाल दें और कोटियाँ निकाल कर अपने लॉकर में रख दें प्रतिदिन करें दिवाली तक तेज़ी से धन नाना है ये मत सोचें कि इतने दिन निकल गए जब भी सुने चाहे नवरात्रे निकल गए हैं चाहे कुछ भी है चाहे एक दिन बचा है आप करें आज सुन लिया है तो आज से शुरू हो जाए दस दिन बाद सुनेंगे तो दस दिन बाद शुरू हो जाए कोई बात नहीं है देर आए दुरुस्त आए आप कीजिए बहुत तेज़ी से लाभ होगा परंतु ध्यान ये रखना है कि ये पीली अभी अभिमंत्रित हों बाज़ार से दस दस बीस बीस रुपए वाली ना हों वो नेगेटिविटी से भरी होती है समुंदर से जब कोई चीज़ निकलती है नेगेटिविटी से भरी होती है फिर उसे अभिमंत्रित करना होता है कोई मूर्ति बनती है उसको भी हम पाठ पूजा करके अभिमंत्रित करते हैं तभी वो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्राण आते हैं जो घर में रखते हैं वो भी एक तरह से हल्की पूजा करके उसको पॉजिटिव किया जाता है ये बातें गुड बातें हैं छोटी सी वीडियो में मैं नहीं समझा सकता बस इतना कहना चाहूँगा कि प्रतिदिन उपाय करना है आपको प्रतिदिन मेरा वीडियो देखना है इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों के पास मेरी चमत्कारी अंगूठी है उन लोगों को चाहिए कि वह चमत्कारी अंगूठी अभी जैसे श्राद्ध आएंगे तो उसमें कच्चा कच्ची लस्सी यानी दूध और जल में लाकर उसमें अवश्य धोए एक बार उसको धोकर पहन लें यह बहुत बड़ा नायाब तोहफ़ा है ये सामने वाले को ऐसे प्रभावित करता है कि वो आपकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाता है बहुत असर है इसका जो लोग नहीं ले पाए हैं देखना चाहते हैं क्या है वो मेरे चैनल पे चमत्कार अंगूठे ब्रिज मंसूरी भरेंगे तो मेरी वीडियो खुल जाएगी मंगवा सकते हैं और हाँ दिवाली से पहले सभी लोग अपनी कुंडली अवश्य दिखाएं ताकि दिवाली वाले दिन क्या उपाय करना है पर्सनली आपने क्या उपाय करना है मैं आपको बता सकूँ दिवाली वाले दिन क्या उपाय करना है हर व्यक्ति ने ताकि जो मेरे को कुंडली दिखाएगा मैं उसे बताऊंगा ना कि आप दिवाली वाले दिन ये उपाय कीजिए तो वो उपाय दिवाली को कीजिए क्योंकि ये दीपावली बहुत अहम है आपको ज़मीन से आसमान पर बिठा सकती है आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकती है तेजी से आपको दन दे सकती है जय साई राम मैं ब्रिज सूरी क्षमा चाहता हूँ यदि कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ तो आपसे मैं इच्छा रखता हूँ कि आप अधिक से अधिक दिल से ये उपाय करेंगे जो मैंने उपाय बताए हैं दिल से करेंगे और यदि आपको कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है आप व्हाट्सएप कीजिए और यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं हमसे दिखाना चाहते हैं आप चाहते हैं मैं खुद देखूं तो आप व्हाट्सएप कीजिए आठ सौ रुपये हमारी फीस है आप पे कीजिए इसी नंबर पर पेटीएम है इसी नंबर पर गूगल पे है उसमें कीजिए या अकाउंट नंबर मांग लीजिए फिर आपकी जन्म कुंडली देख दी जाएगी आपको उपाय बता दिए जाएंगे आप दिल से कीजिए बाकी ये प्रतिदिन के उपाय हैं इनको अवश्य कीजिए ये शक्ति का आगाज होते हैं इनसे आपके समस्त ग्रह शांत होते हैं जन्म कुंडली में हमेशा कुछ लोगों की जन्म कुंडली में बड़े बड़े योग होते हैं जो दबे रहते हैं उनको लाभ नहीं मिलता है जब वो उपाय कर लेते हैं वहीं लोग तरक्की करने लगते हैं आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत गरीब थे एकाएक अमीर हो गए कैसे हुए क्योंकि उनके निवास में किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई योग होता है उनको पता नहीं होता जैसे ही पता चलता है वो उसका उपाय करते हैं ग्रह काम करने लगते हैं धन तेजी से आने लगता है तो हो सकता है आपकी कुंडली में भी कोई योग हो हो सकता है आपकी कुंडली में अमीर बनना लिखा हो नाम कमाना लिखा हो एक्टर गायक एक सिंगर बनना लिखा हो परिवार का सुख लेना लिखा हो परंतु आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि योग नहीं है या योग एक्टिवेट नहीं है जब कुंडली देखेंगे उपाय निकलेंगे तभी पता चलेगा तो अब इजाज़त चाहता हूँ नमस्कार खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए